श्रीराम राम रामेति श्रीराम राम रामेति राम राम रामे रमे रामे मनोरमे रमे रामे नमस्कार मित्रों स्वागत है मेरे ज्योतिष के चैनल में जय श्री राम अब तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान देखिए ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसे प्राय ये समझा जाता है कि इससे भविष्य बताया जाता है जो कि ऐसा नहीं इसमें हमें हमारे कर्मों को डिफाइन किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये आप कह सकते हैं कि ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो हमें यह आगाह करता है कि हमें किस प्रकार का एक्शन लेना है या नहीं लेना वैसे भी जानते हैं आप हिंदू धर्म कर्मों पे आधारित धर्म है हम जो भी काम करते हैं ये सोच के करते हैं कि हमारी पुण्य कर्मों का लाभ है या अभी हम जो करेंगे उसका लाभ हमें बाद में मिलेगा जो भी है तो ज्योतिष में जो भी अध्ययन होता है या ज्योतिष में जो भी ज्ञान होता है वो संपूर्ण ज्ञान का निचोड़ इन बारह खानों पर ही आधारित होता है इन बारह खानों से जो मिलकर घर बनता है उसको हम कुंडली कहते हैं कुंडली में टोटल कितने हाउसेस होते हैं बारह हाउस होते हैं सेंटर हाउस को फर्स्ट नंबर दिया जाता है कि प्रथम घर है जिसको हम लग्न कहते हैं ये व्यक्ति की पहचान होती है इसे हम आगे जाकर संपूर्ण अध्ययन करेंगे आप इसके डायरेक्शन देख रहे हो इसी डायरेक्शन में इनको कहा जाता है फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस थर्ड हाउस ट्वेल्थ हाउस इन बारह चक्रों का ही हमें अध्ययन करना है हम जो भी सीखेंगे वो संपूर्ण ज्ञान हम लाकर इन बारह ग्रहों पर बारह घरों पर सॉरी अप्लाई करेंगे और यहीं से हमें रिजल्ट मिलेगा और यही घर हमें बताते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलने वाला अब इन घरों में ग्रह बैठते हैं तो ज्योतिष में कितने ग्रह है? नौ ग्रह हैं ठीक है थीके? अब हम उन नौ ग्रहों को जानने की कोशिश करेंगे उन ग्रहों के नाम क्या है देखिए मैं बताता हूं ग्रहों के नाम मैं आपको बताता हूं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ग्रहों के नाम कौन कौन से ग्रह होते हैं नौ ग्रह सूर्य चंद्र बुध शुक्र मंगल गुरु शनि दो ग्रह हैं राहु और केतु राहु और केतु को छाया ग्रह कहते हैं हमारे ब्रह्मांड में सारे ग्रह मिलेंगे हमें केवल राहु केतु नहीं मिलेंगे तो ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह या बिंदु ग्रह के रूप में डिफाइन किया गया है और सबसे ज्यादा भयभीत करने वाले कौन से ग्रह हैं शनि राहु केतु जो कि ऐसा नहीं है जब हम आगे अध्ययन करेंगे तब हम इसको जानेंगे में ये जो तीन ग्रह हैं वो आपके कर्म पे डिपेंडेंट फल देते हैं इसीलिए इतने डरावने लगते हैं ये त्वरित एक्शन लेते हैं त्वरित अपना प्रभाव दिखाते हैं नो वेट डायरेक्ट गिव एंड टेक ये एक्शन होता है ठीक है नौ ग्रहों के अलावा अब आपने जो कुंडली देखी थी उन बारह भावों में नौ ग्रह बैठते हैं अब आपने जो कुंडली देखी थी उन कुंडलियों में बारह भाव देखे थे तो बारह भाव के साथ बारह राशिया होती है जिस हिसाब से उस कुंडली में नंबर डले होंगे वो नंबर ही क्या होंगे राशि के नाम होंगे ठीक है राशियों को उनके ऑर्डर या आप कह सकते हैं कि उनके सामने जो डिजिट लिखा हुआ सीरियल नंबर लिखा उसके साथ याद करना अति आवश्यक है क्यों क्योंकि जब हमने कुंडली देखी थी तो उसमें हमें नंबरिंग मिलेगी ना कि राशि का नाम मिलेगा उसमें नंबरिंग न होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व तो हम जो भी राशि पढ़ेंगे वो राशि हमें उस नंबर के साथ याद होनी अति आवश्यक है जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन आती है मेष राशि सेकंड पे कौन सी आती है वृषभ राशि थर्ड पे कौन सी आती है मिथुन राशि चार पे कौन सी आती कर्क राशि पांच पे कौन सी आती है सिंह राशि छह कन्या राशि सात तुला राशि आठ वृश्चिक राशि नौ धनु राशि दस मकर राशि ग्यारह कुंभ राशि बारह मीन राशि समझ गया तो इन राशियों को इनके नंबर के साथ याद करना अत्यंत और अति आवश्यक है यदि आप ज्योतिष के अध्ययन में कदम बढ़ा रहे हैं तो सबसे बड़ा बेस ग्रहों का नाम राशियों का नाम राशियों के नंबर और उन राशियों का स्वामी कंठस्थ होना अति 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 आवश्यक है तो इन राशियों को आप जब भी पढ़ें तो इनके सीरियल नंबर के साथ पढ़ें ना कि ऐसा पढ़ें मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु ठीक है अब जब धनु राशि बोलें तो आपको याद होना चाहिए नौ नंबर की राशि कौन सी है धनु राशि पांच नंबर की राशि कौन सी है सिंह राशि क्यों क्योंकि हमें कुंडली में जो नंबर मिलते हैं वो राशियों को ही रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अब कुंडली में हमें क्या मिलता है ये नंबर्स मिलते हैं और नंबरों के साथ ग्रह मिलते हैं तो ग्रह तो हमें कितने मिलेंगे नौ मिलेंगे राशियां कितनी मिलेंगी बारह ठीक है और हर घर में एक ही राशि होती है एक घर में एक से अधिक ग्रह बैठ सकते हैं या वो घर खाली रह सकता है जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे अब इन राशियों के स्वामी ध्यान दीजिएगा राशियों के स्वामी इन राशियों के स्वामी को भी नंबर के साथ याद करना अति आवश्यक नंबरिंग आप समझ गए से लेकर ट्वेल्व तक है तो उसको याद करने का तरीका है चार चंद्रमा चंद्रमा के बाद कौन आएगा पांच सूर्य अब देखिए जो मैं राशि बोलूंगा उसका एडिशन नाइन आएगा वन एंड एट मंगल तो मेष राशि और वृश्चिक राशि देखिए नंबर से याद रखिए एक नंबर मेष राशि आठ नंबर वृश्चिक राशि तो वन एंड एट का स्वामी कौन है मंगल इसका मतलब है कि मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है मंगल टू एंड सेवन इसका भी एडिशन आप करेंगे तो आपको नौ मिलेगा ये केवल याद करने के लिए लॉजिकल में बता रहा हूं ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि यार क्या था नंबर था ना? तो दो और सात नौ होते हैं। तो सात शुक्र चार चंद्र सात शुक्र तो दो और सात का स्वामी कौन है शुक्र दो मतलब वृषभ राशि सात मतलब तुला राशि समझ रहे हैं आप इसी प्रकार से तीन और छह क्या होता है नौ तो तीन और छ इसका स्वामी कौन है बुद्ध है अब आपको ये पता होना चाहिए कि तीन नंबर की राशि कौन सी होती है छह नंबर की राशि कौन सी होती है जैसा कि मैंने अभी बताया आपको देखिए आप ऊपर देखेंगे तो आपको ये सब यही नंबर देखेंगे ये देखिए तीन मिथुन राशि छ कन्या राशि अभी मैंने बताया था एक और आठ एक मेष राशि आठ वृश्चिक राशि इन्हीं राशियों के स्वामी इनको लॉर्डशिप प्राप्त है इन राशियों का स्वामित्व प्राप्त है अब अब देखिए शनि को याद रखने का बहुत आसान तरीका कंटिन्यूस टेन एलेवन शनि को याद रखने का सबसे सिंपल शनि को किन दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है दस और ग्यारह अब देखिए यदि आपको राशियां क्रम से याद हैं तो दस और ग्यारह कौन सी है मकर राशि और कुंभ राशि तो मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामित्व किसके पास है शनि के पास है और इसके पहले आप जाएंगे तो नौ ठीक है और बारह क्योंकि दस और ग्यारह हम बीच में नहीं ला सकते तो नौ और बारह का स्वामित्व किसके पास है गुरु के पास है ठीक है अब आती बात राहु और केतु को तो राहु को शनि के इक्वल्ट माना गया सदृश्य माना गया तो शनि की जो राशि है ग्यारह नंबर की राशि उसका स्वामित्व राहु को प्राप्त है और केतु को मंगल के इक्वल सदृश से माना गया तो मंगल की जो राशि है आठ नंबर वृश्चिक राशि उसकी लॉर्डशिप किसको प्राप्त प्राप्त है? है। केतु को प्राप्त है। तो आप एक बात को की पॉइंट बना लीजिए ये जो पहला लेक्चर है या जो पहला लेसन है यह आपको कंठस्थ होना अति आवश्यक है यदि आपकी ये बेस मजबूत नहीं होगा तो आप आगे ज्योतिष का अध्ययन नहीं कर सकते हैं ग्रह के नाम आपको पता है सूर्य चंद्र मंगल बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु ये ऑर्डर आपको कैसा भी चलेगा लेकिन राशियों का ऑर्डर बहुत याद होना आपको अति आवश्यक है राशियों के साथ उसका नंबर याद होना अति आवश्यक है उसकी लॉर्डशिप याद होना क्योंकि जब आप कुंडली को सामने देखते हैं तो आपको ग्रह दिखते हैं राशियों के नंबर दिखते हैं अब हमें वहां देखना पड़ेगा कि उनकी लॉर्डशिप क्या है क्योंकि जब आप प्रडिक्शन करते हैं या फलादेश करते हैं तो यही सारे कैलकुलेशन आपको वहां करना है जो कि आपके ब्रेन में छपा हुआ होना चाहिए आपने देखा कि एक नंबर के साथ मंगल लिखा हुआ तो एक नंबर की कौन सी राशि मेष राशि और वहां मंगल बैठा है इसका मतलब क्या है मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ क्यों क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एक और आठ नंबर की लॉर्डशिप किसके पास प्राप्त है मंगल को प्राप्त है। अब हमने देखा कुंडली में कहीं दस नंबर लिखा हुआ वहां शनि बैठा हुआ तो हमें खट से पता चल जाना चाहिए कि शनि अपनी ही राशि में बैठा है क्योंकि उसको दस नंबर और ग्यारह नंबर की लॉर्डशिप प्राप्त है तो मित्रों ये पहला लेसन था यदि आप इस लेसन को कंठस्थ कर लेते हैं तो आगे के अध्ययन में आपको काफी सहायता मिलेगी धन्यवाद जय श्री राम